हेलो गाइस, मी एन वाई एन सी टी में आपका स्वागत है। तो जैसा आपको पता है कि मैथमेटिक्स सेशन 2022 और 23 का आपका क्या सिलेबस आ चुका है, तो हम बात करेंगे क्लास 9th और 10th दोनों के सिलेबस की चर्चा करेंगे। जो यहाँ लिखा हुआ है तो सिलेबस इज द सब्जेक्ट ऑफ मैटर डैट अंडरगो चेंजेस ऑफ टाइम टू टाइम अकॉर्डिंग टू ग्रोथ ऑफ सब्जेक्ट्स। तो जो सिलेबस है चेंज होता है आपका सीबीएसई बोर्ड का टाइम टू टाइम, जो अकॉर्डिंग टू आपका ग्रोथ होता है सब्जेक्ट्स में उसके बारे में। तो डायरेक्ट हम लोग मुद्दे पे चलते हैं, हम लोग बात करें क्या क्या सिलेबस है। तो क्लास 9th के पहले सिलेबस की बात करें तो नंबर सिस्टम से 10 मार्क्स के आपके आ रहे हैं, जो आप देख सकते हैं कि 10 मार्क्स के आपके सवाल आ रहे हैं, ठीक है। और अगर देखा जाए आपका अलजेब्रा से तो अलजेब्रा से 20 नंबर के आ रहे हैं, कोऑर्डिनेट से 4 नंबर के आ रहे हैं, ज्योमेट्री से 27 नंबर के आ रहे हैं, मेंसुरेशन से 30, स्टैटिक से आपका 6 नंबर के आ रहे हैं। तो टोटल इस बार जो परीक्षा होंगे तो उसमें आपको कितने 80 मार्क्स के पेपर होंगे। अब रियल नंबर्स में बात करें तो रियल नंबर्स चैप्टर आएंगे नंबर सिस्टम में, पॉलीनोमियल्स आएंगे आपके, ठीक है। और आपके पॉलीनोमियल्स के अलावा भी कई सारे चैप्टर्स आएंगे, जैसे कि आपका नेक्स्ट देखते तो लीनियर इक्वेशन आएंगे आपके, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आएंगे। ज्योमेट्री में अगर देखा जाए तो ज्योमेट्री में आपके कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं, तो यूक्लिड डिवीज़न अगर देख रहे हैं तो यूक्लिड ज्योमेट्री आ रहा है, आपके लाइंस एंड एंगल आपको इस बार पढ़ना पड़ेगा, और ट्रायंगल भी आपको देखना पड़ेगा, ट्रायंगल भी इस बार आ रहा है चैप्टर आपका, इसको भी नहीं छोड़ा गया आपका। नेक्स्ट है आपका क्वाड्रिलेटरल भी आ रहा है आपका, तो क्वाड्रिलेटरल आपको पढ़ना पड़ेगा। सर्कल भी चैप्टर इस बार आ रहा है आपको, सर्कल भी देखना पड़ेगा आपको। इसके अलावा और कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं, मेंसुरेशंस में बात करते हैं तो मेंसुरेशन में आपको एरिया और सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम को पढ़ना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट चलते हैं आपका क्लास 9th में, और सब यहाँ जो दिया है कि आपको कुछ टोपोलॉजी ऑफ क्वेश्चन याद करना, रिमेंबरिंग करनी पड़ेगी आपको, एग्जिबिट मेमोरी और प्रीवियस ईयर लर्न मटेरियल जो अपने रिकॉल करने पड़ेंगे, बेसिक टर्म्स को एनालिसिस करने पड़ेंगे, ये कुछ नहीं। और स्कूल की बात करें, स्कूल से क्या क्या मिलेंगे, तो पेन पेपर टेस्ट जो मल्टीपल असेसमेंट होता है, इंटरनल असेसमेंट आपको वो 20 मार्क्स के टोटल होते हैं इंटरनल असेसमेंट, जिसमें 10 मार्क्स जो होते हैं स्कूल वाले आपको देते हैं पोर्टफोलियो पे, और लैब प्रैक्टिकल जो कराते हैं उस पर 5 मार्क्स देते हैं। टोटल 10 और 5 मिला के 20 मार्क्स के आपके स्कूल वालों की तरफ से आपको मिल जाता है, तो 20 नंबर और 80 नंबर के आपके पेपर्स होते हैं। अब चलते हैं क्लास 9th पढ़ते हैं, तो क्लास 9th में अगर देखा जाए तो नंबर सिस्टम एक्सरसाइज आपको 6 नंबर का आ रहा है, अलजेब्रा से आपको 20 नंबर का आ रहा है, कोऑर्डिनेट से 6 का आ रहा है, ज्योमेट्री से आपका 15 सबसे ज़्यादा नंबर का आ रहा है, ट्रिग्नोमेट्री से 12, इस तरह से मेंसुरेशन को देखेंगे 10 मार्क का, स्टैटिक का आपका 11 मार्क्स का आ रहा है आपका। तो अगर हम बात करते हैं नंबर सिस्टम में कौन कौन से आपके चैप्टर से, तो रियल नंबर पढ़ना पड़ेगा आपको, पॉलीनोमियल है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये सारे आपको पढ़ने पड़ेंगे। नेक्स्ट अगर बात करें, और इसके अलावा यहाँ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ना पड़ेगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में पढ़ना पड़ेगा, ज्योमेट्री में बात करते हैं ज्योमेट्री में आपको ट्रायंगल इस बार पढ़ना पड़ेंगे, और सर्कल है, सर्कल भी चैप्टर आपका आएगा। इसके अलावा अगर देखा जाए तो नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्री की बात करें तो ट्रिग्नोमेट्री में आपको इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना पड़ेगा, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ जो है आपको आएंगी इस बार, हाइट एंड डिस्टेंस आपको पढ़ना है। मेंसुरेशन में बात करें तो एरिया रिलेटेड टू सर्कल पढ़ने पड़ेंगे, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम आपको आएगा, स्टैटिक और प्रोबेबिलिटी में स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी दोनों ही आपके आएंगे। इस बार टर्म टू तो आपका होगा नहीं, एक ही टर्म में आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा, मतलब एक ही बार आपका मार्च में जो है एग्ज़ाम होगा आपका, जो आपका इस साल जो हुआ था आपका पिछले साल के 2021 में, अगर दो टर्म्स में होते 2021 और 22 में तो वो नहीं होगा, इस बार आपको एक ही टर्म्स में आपको एग्ज़ाम होगा आपका 2023 में। इसके अलावा यहाँ भी वही बात लिखी गई है, इंटरनल असेसमेंट इवोल्यूशन एनालिसिस के बारे में, इंटरनल असेसमेंट के बारे में मैंने आपको समझा दिया। तो इस तरीके से आपके इस बार जो है आपके एग्ज़ाम होंगे किसके, मैथ के आपके, ठीक है, मैथ के पेपर जो होंगे स्कूल में, ये आपका सिलेबस है।